आज और बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था गाइस, BRS राइट। क्या क्या चीजें हमने देख ली थी बता दो जरा एक बार। हमने सबसे पहले BRS का मतलब देखा था, यस और नो, आपको याद आ रहा है? बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट जो हमें मदद कर रहा है कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस है उसके पीछे की वजह जानने के लिए। हमने तीन स्टेप अप्लाई की थी, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज एंड गो टू द पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक एंड उसके बाद एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। और हमने ये भी देखा था दो रूल थे, पहला रूल था अगर कोई डायरेक्ट एंट्री होती है पासबुक में तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। और हमने ये भी देखा था अगर चेक से रिलेटेड, रूल नंबर टू क्या था, चेक रिलेटेड अगर कोई गलती होती है समझ जाओ चेक क्लियर हो गया, यस और नो। और हमने ये देखा था एडजस्टेड कैश बुक कब बनाते हैं, अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव टू एडजस्ट द कैश बुक और यू हैव टू प्रिपेयर द BRS आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, तो आप लोगों को एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा। या फिर आपको ऐसा बोल देंगे कि यू हैव टू फर्स्ट एडजस्ट द ट्रांजेक्शन देन प्रिपेयर BRS, तो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा। और एडजस्टेड कैश बुक में कौन से दो कैटेगरी के आइटम आते हैं बताओ जरा मुझे। एक करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, जो करेक्ट है और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पासबुक में। और दूसरा कौन सा है मुन्ना? एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक, यस और नो। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सारे बच्चे साथ में, पक्की बात, डन? हाँ बोलो बेटा। सेकंड वाला रूल कल ही बताया, हाँ कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि हमने चेक इशू किया, बरोबर है। या फिर हमने एक ये लिया था ना ट्रांजेक्शन, कौन सा, चेक इशू किया बट लिखना ही भूल गए, या फिर चेक इशू किया कैश कॉलम में लिख दिया, तो समझ जाना हो चेक क्लियर हो गया। कल ही हमने एक एग्जांपल लिया था। अच्छा ये देखो, ये अच्छा ध्यान में है मेरे को भी, ये जो बच्चे हैं ना फेल क्यों होते हैं मालूम है क्या? बहुत प्यारी और काम की चीज़ है, 12 साल के रिसर्च के बाद ये पांच चीज़ें मुझे पता चली है। ये आज मैंने बच्चों को बताया था, सोचा आपको भी बता दूँ। जो जनरली बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेस में फेल होता है ना, अगर इन पांच में से कोई एक भी चीज़ अगर वो नहीं है, नहीं कर रहा है या फिर उसके पास नहीं है, तो कंफर्म फेल है। आप क्लास में रेगुलर प्रेजेंट नहीं हो, फिर बची हुई चारों चीज़ें आपके पास है तो भी आप फेल हो। प्रेजेंट ही मतलब दो टाइप की होती है, फिजिकल प्रेजेंट ही और मेंटली। कुछ बच्चे फिजिकली क्लास में आ जाते हैं, मेंटली कई और ही होते हैं। दूसरा, आप नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, ना ही रेगुलर नोट्स ना ही समरी नोट्स। समरी नोट्स खुद से आप नहीं बना रहे हो, रेगुलरली क्लास में नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप कन्फर्म फेल हो। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो समय समय पे, तो भी आप कन्फर्म फेल हो। आप रिवाइज तो कर रहे हो लेकिन रिकॉल नहीं कर रहे हो, तो भी आप फेल हो। या फिर आपने चारों चीजें की लेकिन फिर भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप फेल हो। तो पांचों चीजें आपके पास होनी चाहिए, मींस आप क्लास में रेगुलरली प्रेजेंट रहो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, रिकॉल करो। रिकॉल कैसे होगा? टेस्ट देने के बाद, जब भी आप टेस्ट दोगे तो आप रिकॉल करोगे ना। एग्जाम के तीन घंटे आप क्या करते हो? पढ़ते हो, रिवाइज करते हो कि रिकॉल करते हो? रिकॉल करते हो, रिकॉल कर करके लिखते रहते हो। तो अगर आपने पांच में से कोई एक भी चीज आपके अंदर अगर मिसिंग है, इन पांचों में से कोई एक भी चीज अगर आपके अंदर मिसिंग है, तो डेफिनेटली आप फेल हो, यस और नो। काफी बच्चों की पढ़ाई हो चुकी रहती है, एग्जाम के समय उल्टी आ जाती है, पेपर के समय चक्कर आ जाते हैं, पेपर नहीं दे पाते है ना, थोड़ा एग्जाम का वो क्या कहते हैं उसको, फोबिया होता है, तो भी बच्चा फेल हो जाता है। तो वो कैसे दूर होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये ऊपर की चार चीजें आप कर लोगे तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस और नो। यही है, और इसके अलावा कोई पांचवा रीजन नहीं है। बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते, प्रेजेंट रहते तो मेंटली अब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट है मेंटली प्रेजेंट है, कुछ बच्चे रिवाइज नहीं करते, कुछ बच्चे रिवाइज करते तो रिकॉल नहीं करते, रिवाइज रिकॉल कर रहे हैं नोट्स नहीं बनाते, कोई भी एक चीज़ अगर अब्सेंट है इन पांचों में से, कन्फर्म फेल हो। स्टैम्प पेपर पे आज ही लिख करके ले लो, अगर इन पांचों में से कोई एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो कन्फर्म फेल है। सर ये पाँचों चीज़ें हैं तो कन्फर्म मेरिट है, अच्छे नंबर से पास हो या कुछ बात समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, तब ये एक भी चीज मिसिंग नहीं होनी है ना। आ जाओ, हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक देख रहे थे। आपको अगर याद आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ, वरना चिंता मत कर। आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था राइट,
अंडर कास्टिंग का था क्या, ओवरकास्ट का समझ में आ गया सभी को? एक बार मैं चाहूँगा कि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों की वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। ध्यान से सुनना, ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना, ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना, अंडरकास्ट यानी गलती से कम हो गया। अभी ध्यान से सुनना, ओवरकास्ट की बात चल रही है तो ओवरकास्ट क्या हो सकता है, कैशबुक भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है। कैशबुक में ओवरकास्ट होने के लिए स्कोप क्या क्या है, या तो डेबिट साइड ओवरकास्ट होगा या तो क्रेडिट साइड ओवरकास्ट होगा। कैशबुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई, फिर से कैशबुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई, तो यहाँ पे मैं आपको इस सीन को समझाने के लिए डेबिट साइड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड और चेक रिसीव्ड, यस और नो? चेक मिला 500 का, गलती से मैंने लिख दिया 600, क्या डेबिट साइड में 500 की जगह 600 लिखा, क्या ये ओवरकास्ट हुआ? चेक से रिलेटेड गलती है, चेक क्लियर हुआ, ये तो रूल टू था, ये तो रूल टू था। चेक मिला 500 का, गलती से लिख दिया 600, ओवरकास्ट हो गया 100 से। रूल नंबर टू, चेक से रिलेटेड गलती है, ये आपको कैसे पता चला? पासबुक से, मतलब चेक क्लियर हो गया। डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो लेफ्ट हैंड बढ़ेगा ना, इशूड चेक क्लियर होगा तो लेफ्ट हैंड कम होगा। तो डिपॉजिटेड चेक 500 का चेक था, 600 लिख दिया, चेक 500 से क्लियर हो गया, डिफरेंस 100 का, ये तो लिखा है चेक कैशबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, यस और नो? आ गया क्या न्यू पोजीशन? पीआरएस का काम तमाम हो गया, न्यू पोजीशन। अब बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो लेस, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो बोलो, कैशबुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गया। क्रेडिट साइड की बात चल रही है तो कौन सा एग्जाम्पल लू? चेक इशूड, चेक इशूड 500 का, 500 लिखना चाहिए था, 500 की जगह 600 लिख दिया, चेक क्लियर हो गया, डिफरेंस 100 का। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस, कैशबुक नीचे पासबुक ऊपर, देख लो क्रेडिट साइड में। उसके बाद पासबुक का डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट हो गया, डिपॉजिट कॉलम है तो कैश या चेक डिपॉजिटेड का एग्जाम्पल लू चलेगा क्या? डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट हुआ है ना, चेक डिपॉजिट किया 500 का, बैंक वालों ने भी वो चेक क्लियर हो गया तो पासबुक 500 से ही बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने 600 से बढ़ा दिया, पासबुक ज़्यादा दिख रहा है 100 रुपये से। आ गया न्यू पोजिशन, खेल खाता, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेस, कैशबुक नीचे पासबुक ऊपर, दिख रहा है क्या? देन उसके बाद विड्रॉल कॉलम ओवरकास्ट हुआ, विड्रॉल कॉलम तो कैश विड्रॉल और चेक इशूड का एग्जाम्पल लू क्या? चेक इशू किया 500 का, चेक क्लियर भी हो गया, 500 की जगह बैंक वालों ने 600 लिख दिया, पासबुक में आए ना विड्रॉल कॉलम में, देखो चेक इशू किया था 500, बैंक वालों ने 500 की जगह लिखा 600, ज़्यादा से कम हो गया, कैशबुक ऊपर पासबुक नहीं। आगे बोलने की ज़रूरत है कुछ? सिंपल था ये, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लेक्चर अपना इसी डायग्राम में गया कल का। आ जाओ अंडरकास्ट, मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था, चलो बताओ तो अंडर कास्ट। कैशबुक की डेबिट साइड अंडर कास्ट हुए, डेबिट साइड की बात चल रही है, चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लू क्या? यस, 500 की जगह कितना लिखा 400, अंडर कास्ट, 500 की जगह कितना लिखा 400, 500 की जगह कितना लिखा 400, 500 की जगह कितना लिखा 400, बराबर है था इसमें, सिंपल। चलो वन बाय वन एक एक पढ़ लेते, डन। चलो अभी चेक करते, होना अंडरकास्ट होना है ना गलती से कम हो जाना, डेबिट साइड अंडरकास्ट हुई है कैशबुक के, चेक मिला 500 का और हमारा अकाउंटेंट गधा था, उसने लिख दिया 500 की जगह 400, चेक रिसीव्ड 500 का, 500 से बढ़ाना चाहिए था, उसने 500 की जगह 400 से बढ़ाया, एक तो 500 का ही क्लियर होगा ना। आगे न्यू पोजीशन, कैशबुक नीचे पासबुक ऊपर, कुछ था किसका किसका ये आया, वेरी गुड। उसके बाद कैशबुक की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गई, क्रेडिट साइड की बात चल रही है इसलिए मैं चेक इशूड का एग्जांपल लेता हूं, बस मुझे न्यू पोजीशन पे पहुंचना है इसलिए मैं मन से एग्जांपल ले रहा हूं। चेक इशूड 500, 500 से कम करना चाहिए था, उसने 500 की जगह 400 से कम किया, एक तो पूरा 500 का क्लियर होगा, कैशबुक ऊपर,
पासबुक नहीं, एक बार ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ले, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड है, ठीक है। थर्ड स्टेप तो एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ना, पहली दो स्टेप तो सेम ही है। डिपॉजिट कॉलम अंडर कास्ट हुआ है, एक डिपॉजिट किया 500 का, लेकिन बैंक वालों ने 500 की जगह 400 ही लिखा, पासबुक में लफड़ा हुआ है, कैशबुक में नहीं। कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे। बैंक वालों ने 500 की जगह कितना लिखा, 400। उसके बाद विड्रॉल कॉलम में लफड़ा हुआ, चेक इशू किया 500 का, बैंक वालों ने 500 से कम करना चाहिए था, 500 की जगह 400 से ही कम किया। कैशबुक नीचे, पासबुक कुछ था। तो क्या आपको 8 एग्जाम्पल समझ में आ गए, 4 ओवरकास्ट के, 4 अंडरकास्ट के? गाइस समझ में आए सभी को? पक्का ये लिख लो, लिख लिया है क्या? क्या बात है। चलो बताओ, अभी कल कहां तक किया था? 6 वापस बताओ, 6 वापस बताओ। कैशबुक डेबिट साइड ओवरकास्ट बाय 100, कैशबुक के डेबिट साइड की बात चल रही है, तो चेक रिसीव्ड 500, ओवरकास्ट कर दिया 100 से 600, चेक 500 का ही क्लियर होगा। कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैशबुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। तो देखो मैंने लेस किया है क्या? 7वां, कैशबुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट ₹100। कैशबुक का डेबिट साइड यानी चेक रिसीव्ड का एग्जाम्पल लो, 500 का चेक मिला, 500 की जगह 400 ही लिखा, चेक तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया 500 से। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो। किसी को नहीं समझा है तो प्लीज़ वापस पूछो, जो बच्चे स्टार्टिंग से। सब लोग साथ में है क्या, समझ में आए क्या? पक्का एसी बंद है क्या रे आज? तो ऐसा चालू है, उसके बाद पासबुक का डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट हो गया। डिपॉजिट कॉलम की बात चल रही है तो कौन सा एग्जांपल लू, चेक डिपॉजिटेड और इशूड। चेक डिपॉजिटेड 500, चेक क्लियर भी हो गया, पासबुक में 500 की जगह कितना लिखा, 600। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। 9, पासबुक विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट। विड्रॉल कॉलम की बात चल रही तो चेक डिपॉजिट का एग्जाम्पल लू या इशूड का, एक इशूड, हाँ 500 का, पासबुक में लफड़ा हुआ है, चेक क्लियर हो गया, 500 से होना चाहिए था बट उन्होंने अंडरकास्ट किया, 500 की जगह 400 से ही कम किया। कैशबुक नीचे, पासबुक ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, ऐड कर दो। ये देखो लास्ट वाला, कैशबुक का पिछले पेज का जो टोटल था डेबिट 200, उसकी जगह उन गधों ने गलती से लिख दिया क्रेडिट 200 नेक्स्ट पेज पे। कैशबुक का प्रीवियस पेज का टोटल था, सब लोग प्लीज ध्यान देना अभी, कैशबुक का प्रीवियस पेज का टोटल था। यार कुछ बच्चे अभी भी, मैं इतने बार समझाने के बाद में ऐसे बैठते नहीं जैसे आई टू आई कॉन्टेक्ट हो, किसी न किसी के पीछे छुप के बैठना है। अब जब मैं एक एक का नाम लेके बोलूंगा तब बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, तो बोलेगा यार मास्टर बहुत गंदा बोलता है, मैं कैसे समझाऊँ। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ऐसे बैठना है, अभी सब लोग ऐसे बैठो कि मेरे साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट है, चेक जगह चेंज करो अपनी, दिख रहा है क्या सभी का आई टू आई कॉन्टेक्ट हो रहा है? ये रेड ड्रेस वाली बच्ची कौन है, रिक्शा के बाजू में जो बैठी है, कैमरा आपको दिख रहा है कि मैं आपसे आके नहीं मिला पा रहा हूँ, बीच में कैमरा है, ये पीछे रेड ड्रेस चेक चेक्स के कपड़े में जो बैठी है, जगह चेंज करो और चेंज करो, रिक्शा और इधर आओ और इधर आओ, पीछे क्या बैठते रहते किसी के छुप छुप के? आप सब लोग बस जगह यहाँ पे काफी, और जगह चेंज करो, आप इधर आओ, आगे आओ, वो बैक सरका दो, यहाँ पे कैमरा है फिर भी सबको मालूम है कि मैं आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाऊंगा, जगह चेंज करो, आप बेटा दोनों सामने वहां से जगह चेंज करो पीछे के बेंच पे, और आप दोनों पूरे इधर आ जाओ, तू पूरा कॉर्नर पे बैठ दीवार पे, आप इधर आओ, दीक्षा पूरे इधर आओ, आप दोनों ब्लू ड्रेस और व्हाइट ड्रेस आप पीछे जाके बैठो या आगे आ जाओ, और आप दोनों पूरा इधर आओ, मिस्टर गोवा आप पूरा इधर आ जाओ, आप आओ इधर पूरा, ये कैमरे की लाइन में कोई बैठो ही मत इधर में, और इधर आ जाओ, बैग रख लो बीच में भले, कितना समझाना पड़ता है ना? आप थोड़ा और इधर आओ, ए बेटा लास्ट बेंच ब्लू ड्रेस, आप वो बैग सरकाओ, बैग इधर रखो,
आप पूरे कॉर्नर में जाओ, हाँ नहीं आप थोड़ा सा इधर ही बैठो, बस दीक्षा थोड़ी इधर। अब मेरे को हर एक बच्चा दिख रहा है, क्या है, मैं आंखों में सच्चाई पढ़ सकता हूँ, गॉड गिफ्ट है। बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो मुझे समझ में आ जाता है, काफ़ी बार मैं आंखें देख के बता सकता हूँ कौन पीके है और कौन पीके नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा बैठो कि मेरा आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट हो, आप मुझसे छुप के मत बैठो, डन क्लियर आ जाओ। अब लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग प्लीज़ ध्यान देना अब, राइट। अब कैसा मस्त दिख रहा है, तो क्या होता है बीच बीच में कुछ बच्चे दिखते ही नहीं मुझे, फिर तो मुझे ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। अभी ध्यान देना, लास्ट में क्या बोला है कि कैश बुक का प्रीवियस पेज का टोटल उन्होंने अगले पेज पे गलत लिख दिया, आप सभी को मालूम है। अब ये क्या हुआ नाटक, हेलो हेलो अपना नहीं है ना, हेलो हाँ जो भी है आप ध्यान दो, ये पेज नंबर 8 है और ये पेज नंबर 9 है, ध्यान देना ये पेज नंबर 8 है और एक पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 8 पे प्लस माइनस, ये कितना है टोटल 80, कितना है बेटा टोटल 80, ये अगले पेज पे ट्रांसफर होगा तो प्लस 80 लिखना पड़ेगा ना, ये टोटल क्या आया डेबिट 80, अगले पेज पे उसने लिख दिया क्रेडिट 80, समझ में आ रहा है क्या लफड़ा किया उसने। प्रीवियस पेज का टोटल था कैश बुक का डेबिट 200, कैश बुक का डेबिट 200 यानी क्या होता है, रुको, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, उसने डेबिट 200 यानी प्लस 200 लिखना चाहिए था, अगले पेज पे उसने प्लस 200 की जगह क्या लिख दिया माइनस 200। कैश बुक का प्रीवियस पेज का टोटल प्लस 200 की जगह उसने अगले पेज पे लिख दिया माइनस 200, प्लस से माइनस कर दिया यानी बढ़ाया या कम किया, कॉमन सेंस, कम किया, माइनस से प्लस किया रहता तो बढ़ाया रहता। डेबिट 200 यानी फेवरेबल यानी प्लस बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस, अगले पेज पे उसने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस यानी प्लस की जगह कितना लिखा माइनस, सब लोग साथ में, प्लस की जगह कितना लिखा माइनस यानी बढ़ाया कम किया, कम कर दिया। अभी ध्यान देना बेटे सब लोग, ये होना चाहिए था, अगले पेज पे उसने क्या लिख दिया माइनस 200 क्रेडिट लिख दिया, ये कर दिया, तो क्या होना चाहिए था वो क्या कर दी या कितने से कम किया, कौन बच्चा बोला 200, मारो उसको पकड़ के, पहले प्लस 200 से माइनस 200 पे आते आते बीच में रास्ते में पहले जीरो मिलेगा ना आपको, वापस चौथी का गणित पढ़ो, रिक्टर स्केल देखा है ना सभी ने, प्लस से माइनस पे आ गए तो देखो प्लस 200 से पहले रास्ते में जीरो मिला होगा, कितने से कम किया 200 से, और फिर जीरो से और नीचे 200 आ गए और कितने से कम किया 200 से, तो टोटल कितने से कम किया 400 से, 400 से कम कर दिया ना, ये होना चाहिए था ये गलत कर दिया, तो कैशबुक को बढ़ाया कम किया, कम किया कितने से 400 से, फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप, इंफॉर्मेशन पढ़ के हमने एनालाइज कर लिया और हमें पता चल गया कैशबुक को 400 से कम कर दिया, कैशबुक को कितने से कम किया 400 से। अब बोलो क्या ये चेक से रिलेटेड गलती है क्या, नो ये तो टोटलिंग एरर है या फिर कैरी फॉरवर्ड एरर है, बोलो इसका इफेक्ट पासबुक में आएगा क्या, नो क्या संबंध, यस और नो, आ गया न्यू क्वेश्चन, खेल खत्म, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक थर्ड स्टेप, अब भूल जाओ पहली दोनों स्टेप को, बच्चे अभी भी दो स्टेप पे अटके पड़े, अगेन न्यू पोजिशन थर्ड स्टेप एट इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो ऐड करो, कितना ऐड करो 400 प्लस 400, टैन 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 करो टोटल करो, क्या बात कर रहे हो इतना परफेक्ट, प्लस या माइनस, प्लस 1000 यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आया है, क्लियर। ये लास्ट वाले पॉइंट के लिए लिखना है तो लिख लो एक्सप्लेनेशन, लास्ट वाले पॉइंट के लिए एक्सप्लेनेशन लिख लेना,
आज क्या 27 है या 28 है? 27 है ना आज? ओके कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था ना? देखो सभी ने सॉल्व कर लिया पूरा क्वेश्चन, वेरी गुड। लास्ट वाला पॉइंट लिखो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज वापस पूछो। बोल बेटा। हाँ बोल बोल, आपने कुछ पूछा? अच्छा देखो फिर से देखो, 10 बार चेक करो, डाउट है तो प्लीज मुझे चेक करके बताओ। वाला बता दो वापस। 6 में क्या है? कैश बुक की, अगर 6 नहीं समझा तो 6, 7, 8, 9 कुछ भी नहीं समझेगा। वो समझा? मेरे किधर ध्यान दे। 6 में कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट हुआ है। बोल कौन सा साइड? कौन सा साइड? डेबिट साइड है तो कुछ चेक रिसीव्ड का या इशू का? रिसीव का बराबर ना, तो डेबिट साइड चेक रिसीव का एग्जाम्पल सोच रहा हूँ। 500 का चेक मिला फॉर एग्जाम्पल, 500 की जगह कितना लिख दिया? 600, ओवरकास्ट हुआ है ना। चेक से रिलेटेड गलती है, चेक तो क्लियर हो गया 500 का, आगे न्यू पोजिशन क्या था स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। बरोबर आपको समझ में पक्का? ये मैंने तुमको पीछे क्यों बिठाया मालूम है क्या? हाँ नहीं, कोविड में उनको जीवन का असली महत्व समझ में आया शायद। वो घर पे रहे 2 साल, कभी किसी के पेरेंट्स के झगड़े, आसपास के झगड़े, घर पे लोग काव गए ना, 1-2 साल रह के पूरा काव गए। समझते हो क्या? नहीं समझते हो, परेशान हो गए।
चलो लिखा सभी ने, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या है मालूम है क्या? आप ही ने करना है अगला सवाल, मैं नहीं करूंगा, ये आपका आज का क्लास वर्क। प्रिपेयर, ऐसा लिखो, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक देन PRS। तो आप लोग क्या बनाओगे सबसे पहले? एडजस्टेड कैश बुक, और उसके बाद क्या बनाओगे? PRS। इसी क्वेश्चन, साथ में मल्टीटास्किंग, जैसे लैपटॉप में एक साथ दो विंडो रहती है और जिस विंडो का काम नहीं है, आप कोई मम्मी पापा आ जाते तो मिनिमाइज कर देते हो फट से, वैसे मल्टीटास्किंग होता है ना लैपटॉप में, एडेड इन दो विंडो, मोबाइल में भी होता है आजकल, तो कोई दूसरा आ गया कट से कट कट, ऐसे ऐसे बिहेव करते जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। चलो मैं बता दो, एक साथ दो काम कैसे किए जाते हैं, सुनो ध्यान से सुनना, मैं आपको सिखाऊंगा। सुनो, बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ काफी 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 एक्सपीरियंस वर्ड मत बोलो, काफी एक्सपीरियंस। कैसे बच्चे रे, आ जाओ। चल मैं स्टार्ट करूँ क्या? देखो एट ए टाइम दोनों चीज कैसे की जाती है। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस कौन सा है, प्लस है या माइनस है? प्लस बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, राइट? ए मुन्ना ध्यान दे रहे, लास्ट में क्या है दोनों बात तो बताओ ना, क्या बात करनी? लास्ट बेंच वाले दो बच्चे आपस में बात करें, टेंशन मत लो, मैं लड़कियों को कभी नहीं डांटता हूं, है ना? तो आप बिल्कुल क्लास में मस्ती कर सकते हो, बस मैं पेरेंट्स को कॉल करवा देता हूं, मम्मा को, क्योंकि लड़कियों को उनकी मम्मा के अलावा और कोई डांट ही नहीं सकता, क्योंकि पापा की तो परिया होती है और मम्मा डांटती है, मैं मम्मा को कॉल कराऊंगा, मैं बोलूंगा आंटी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं इनको डांटू, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। बैलेंस ये कैश बुक का, मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो एडजस्टेड कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कैश बुक का बैलेंस, उसी को तो एडजस्ट करना है ना, उसी को एडजस्ट करना है, तो मैंने लिख दिया बैलेंस 100, बैलेंस मैंने लिख दिया 100। एक सेकेंड ना, मैं आ जाओ, तुम ना ध्यान देना, एडजस्टेड कैश बुक देखो अब कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक के लिए, मुन्ना एडजस्टेड कैश बुक के लिए स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक का बैलेंस मत लिख देना कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में, हम लोग किसको एडजस्ट कर रहे हैं, पासबुक को या कैश बुक को? कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हैं, तो कैश बुक का जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया है वो लिखना है एडजस्टेड कैश बुक में, डन? ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ₹200, बराबर है? अब 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन थे वो सब छोड़ दो, डाल दे, ठीक है? अभी ध्यान दे, ये मैंने लिख दिया। अब बोला है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड 200, बताओ। अब जब भी आपको, मुन्ना ध्यान से सुनना, मैं बहुत काम का सेंटेंस बताने जा रहा हूं, जब भी आपको ऐसा बोला रहेगा बेटा प्लीज ध्यान दो, आ गया, हाँ जब भी आपको ऐसा बोला रहेगा ये एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और उसके बाद BRS बनाओ, बस ये लास्ट पॉइंट है, मतलब इस टॉपिक के अंदर में एडजस्टेड कैश बुक के बाद और कुछ है ही नहीं, फिर ये टॉपिक खत्म। ध्यान से सुनना, जब भी आपको ऐसा बोला रहेगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और उसके बाद BRS बनाओ, तो आप हर ट्रांजेक्शन को कैसे सवाल करोगे? ये पहला वाला पॉइंट आपने लिख दिया, फिर उसके बाद आप इससे सवाल करोगे, ये ट्रांजेक्शन बता क्या तू एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा? अगर उसने मना कर दिया एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाऊंगा, तो फिर आप शुरू हो जाना फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बट
पहला सवाल क्या पूछोगे, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा क्या? तो चेक करो, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड रुपीज 200, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा क्या? क्या ये करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक है? नो. क्या ये पासबुक में रिकॉर्डेड है? नो. क्या ये कैश बुक में गलती हुई है ऐसा लिखा है? नो. मतलब ना ही ये ए कैटेगरी आइटम है ना ही ये बी कैटेगरी आइटम है, मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा. गेम ओवर, रास्ता साफ है. अब ये कहाँ जाएगा? बीआरएस में. हो जाओ शुरू. फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप, रीड द इन्फॉर्मेशन, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो. ये लिख दिया मैंने सेकेंड नंबर का पॉइंट, और लेस करना है ना इसको 200. यहाँ पे क्या रहेगा? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक जो भी आएगा वो लिख दूंगा मैं ऊपर, बराबर है. तीसरा पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड. फिर से डायरेक्टली घाई मत करो बीआरएस बनाने की, पूछो ये ट्रांजेक्शन बता क्या तू एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा. चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक हमने इशू तो कर दिया बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ. क्या ये करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक है? नो. अरे पासबुक में तो आया ही नहीं तो करेक्ट एंट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता. क्या ये एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक है ऐसा लिखा हुआ है, कैश बुक में गलती हो गई? नो. मतलब ये ना ही ए कैटेगरी आइटम है ना ही बी कैटेगरी आइटम, मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा, मतलब ये कहाँ जाएगा? बीआरएस. हो जाओ शुरू. फर्स्ट डे इक्वल चेक इशूड बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना, फिक्स करो, ऐड करो. उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ₹100, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पेमेंट कर दिया. बोलो हमें अभी तक इसका पता है क्या? नो. क्या ये बैंक वालों ने जो किया वो सही किया है क्या? हाँ. क्या ये करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली है? हाँ. बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में प्रीमियम पे किया, पासबुक कम हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में पेंडिंग है, मतलब ये करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली है, मतलब ये ए कैटेगरी आइटम है, मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, मतलब ये बीआरएस में नहीं आएगा. बोलो क्या हुआ यहाँ पे? बैंक वालों ने हमारे भी आप में प्रीमियम पे कर दिया, सही किया उन्होंने, तो हमें भी बैंक के पिच्छू पिच्छू सही करना पड़ेगा क्या? बैंक वालों ने नीचे किया पासबुक को, तो हमें भी कैश बुक को नीचे ही करना होगा. वेट, यहाँ कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके लिए नीचे नहीं कर रहा हूं. बैंक वालों ने सही किया, जो सही किया मैं उसे फॉलो कर रहा हूं, तो हमें भी नीचे करना है, मतलब हमें कैश बुक को कम करना है. अब कैश बुक अगर कम करना है तो मैं क्या करूं बताओ, डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? कैश बुक अगर कम करना है मैं डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? क्रेडिट लिख दूं? पक्का डन सर? 5 मिनट, 5 मिनट. सो कैश बुक के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं, और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आपका काम आसान कर दिया. फोर्थ नंबर पॉइंट, एज इट इज सेंटेंस लिख देना, बाय टू लिखने की जरूरत नहीं है, बाय टू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार आपको पता नहीं रहेगा किस कारणवश कम हुआ. यहाँ पे तो पता चल गया इंश्योरेंस प्रीमियम था, बट आप फोर्थ नंबर का पॉइंट एज इट इज लिख दोगे. सर क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सो. कैश बुक को कम करना है तो क्रेडिट करो, बढ़ाना है तो डेबिट करो. वापस देखो एक बार फोर्थ नंबर, सुनो, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसकी एंट्री पासबुक में आ गई? आ गई. कैश बुक में आई? नहीं आई. अब लेनी होगी क्या? इसलिए तो एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूं, अब लेनी पड़ेगी. तो बैंक वालों ने पासबुक कम कर दिया, सही किया, हमें भी हमारा कैश बुक कम करना होगा. कम करना है तो कैश बुक के डेबिट में लिखो या क्रेडिट में? याद करो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट, या कम करना है तो मैंने क्रेडिट में लिख. अब तुम बताओ, अब ध्यान देना, एडजस्टेड कैश बुक में लिखने के बाद नई पोजीशन देखो कैसी है. वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, बट आपको चेक करवा देता हूं. बैंक वालों ने कम कर दिया और हमने भी एक्चुअल में अकाउंटिंग करके अभी अभी कम किया, अब बताओ डिफरेंस है क्या? अब ये बीआरएस में आएगा क्या? इसलिए मैंने बता दिया, जो पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में आ गया वो फिर से बीआरएस में नहीं आ. नहीं समझा होगा तो प्लीज वापस पूछो. पक्का? एनीबॉडी? चलो आगे. पक्का? कुछ बच्चे, अगर मैं फिर से बता रहा हूं, कोई बच्चों ने अगर पूछने में शर्म की 2-3 बार मेरे समझाने के बाद में भी अगर वो डाउट नहीं पूछता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा. मतलब घर वालों के मेहनत के पैसे और वो डाउट नहीं पूछेगा और पेपर में आने वाला है. अगर 2-3 नंबर से भी फेल हो गए, नहीं समझा तो प्लीज पूछना,
कोई भी बच्चा, किसी को पूछने में शर्म तो नहीं, इतनी तो दोस्ती यारी है ना अपनी, अब आप डाउट पूछ सकते हो डायरेक्टली, किसी को डाउट पूछने में तो डर नहीं लगता है ना, और डाउट पूछा तो मैं काटूंगा नहीं, पक्का कसम से, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो 50 बार भी एक ही चीज का, ये भरोसा रखो, क्योंकि आज अगर आप डाउट नहीं पूछोगे आप फेल हो गए ना, तो आप मेरे को लाइफ टाइम गाली मारोगे उस सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो। और बच्चों की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, मैं थोड़ा बहुत क्या है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला आदमी हूँ, मेरे को ऐसा ये सब भगवान वगैरह में बिलीव करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे पूछ लिया करो अगर कुछ डाउट है ना, मैं इतने बार आपको बोलता हूँ, और ये हर टॉपिक में बच्चे जहाँ डाउट नहीं पूछते ना वहाँ तकलीफ बढ़ेगी उनकी, मैं ऐसा समझू, आप लोगों को समझ में आए पॉइंट, उसके बाद मैं चेक करता हूँ आपको समझा कि नहीं समझा। कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, बोलो बेटा क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा क्या? कैश में पेमेंट किया बट गलती से उन गधों ने कैश की जगह कौन से कॉलम में लिख दिया, बैंक कॉलम में, क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा? यस, क्यों? अरे बाबा ये ए कैटेगरी आइटम नहीं है तो क्या हुआ, बी कैटेगरी है ना, एरर्स ओमिशन इन कैशबुक, कैशबुक में गलती होगी तो कौन सुधारेगा, हम ही। अब तुम बताओ कैश में पेमेंट किया, कैश कॉलम कम करना चाहिए था, उस गधे ने बैंक कॉलम कम कर दिया, पेमेंट किया तो कैशबुक कम करते हैं ना, बट कैशबुक का कौन सा कॉलम, कैश में पेमेंट किया तो कैश कॉलम कम करना चाहिए था, उस गधे ने गलती से कहां लिख दिया, बैंक कॉलम में, कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, कैश कॉलम कम करना चाहिए था, उस गधे ने गलती से बीआरएस का अपना राइट हैंड या फिर कैश बुक का बैंक कॉलम कम कर दिया, बोलो कम करना चाहिए था क्या? नो, अब क्या करूं, बढ़ा दो, गलती से कम कर दिया ना, बढ़ाना है तो कहां लिखो, डेबिट साइड में, पॉइंट नंबर 5 खत्म हो गया, बरोबर है क्या, ठीक हो गया? अरे ठीक कैसे करेंगे, जो गलत किया उसका उल्टा कर दो, कैश पेमेंट किया कैश कॉलम कम करना चाहिए था, कौन सा कॉलम कम कर दिया, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम गलती से कम कर दिया, कम करना चाहिए था क्या, नो, पढ़ा दो, पढ़ा दिया मैंने, लिख दिया सेंटेंस एज इट इज, कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, बताऊंगा लूंगा वो भी, लिया? हाँ बोल बेटा, हाँ, नहीं, समझे नहीं, यहाँ पे हम लोग बीआरएस में कैशबुक का कौन सा कॉलम देख रहे हैं, बैंक, पेमेंट कैसे किया, कैश में, कौन सा कॉलम कम करना चाहिए था, कैश, कैश कॉलम तो इन्होंने कम किया नहीं, उल्टा क्या कम कर दिया, बैंक कॉलम कम करना चाहिए था क्या, नो, पढ़ा दो, तब भी क्या करना चाहिए था, कैश का तो ठीक कर दो, चूल्हे में जान दो ना कैश को, बीआरएस टॉपिक में कैश के बारे में मुझे कोई लेन देन ही नहीं, तब फिर अब ये कैश कॉलम में जो गलती हो गई है वहां पे लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, उसका रेक्टिफिकेशन कब होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक में, बरबर है ना, बोल बेटा, हाथ में आएगा ही नहीं, हाथ में क्यों आएगा, है बीआरएस थोड़ी है, एडजस्टेड कैश बुक है, एक बच्चे ने बोला हाथ से समझाओ, हाथ से कब आता है, बीआरएस में, ये एडजस्टेड कैश बुक में लिख रहे हैं बीआरएस में, एडजस्टेड कैश बुक कितना सिंपल है, एक बात बता, मैंने गलती से तुझे 100 रुपये दे दिए, नहीं देने चाहिए थे, अब क्या करूं, वापस ले लो, तेरी कॉलर पकड़ूंगा, तेरे से 100 रुपये वापस लूंगा, यस और नो, गलती से बैंक कॉलम कम कर दिया, नहीं करना चाहिए था, पढ़ा दो, पढ़ा दिया मैंने, सिंपल, कितना आसान है, कभी कभी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंपल चीजें भी मुश्किल लगने लगती है, आप सोचते हो यार इतना आसान कैसे हो सकता है, कैश कॉलम कम करना चाहिए था, वो तो कम किया नहीं, चूल्हे में जान दो कैश कॉलम को, हमें यहाँ बीआरएस टॉपिक में कैश कॉलम रेक्टिफाई नहीं करना है, बट कैश कॉलम की जगह उन गधों ने क्या कम कर दिया, देख बेटा मेहता, बैंक कॉलम कम कर दिया, कम करना चाहिए था क्या, बढ़ा दो, यस और नो, बढ़ा दिया, और बढ़ाना है तो कहाँ लिखो, डेबिट में, सिंपल है, सामने वाले को कैश में पेमेंट किया, कैश कॉलम कम होना चाहिए था, अकाउंटेंट ने बैंक कॉलम कम कर दिया, नहीं कम करना चाहिए था, बरबर है, पक्का? उसके बाद कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट, कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई, डेबिट साइड गलती से बढ़ गई, क्या करो, कम कर दो, कैश बुक की डेबिट साइड गलती से बढ़ गई, तो अब क्या करो, कम करो, कैश बुक के डेबिट साइड को कम करना है तो कहां लिखो, क्रेडिट में, अरे यस और नो, डेबिट साइड गलती से बढ़ गई, और जो जो आइटम एडजस्टेड कैशबुक में आ गए वो बीआरएस में आएंगे क्या, नो, इसलिए हम लोग बीआरएस तक पहुंचने के पहले ही ठीक हो गया हो,
उसके बाद कैशबुक की डेबिट साइड कम हो गई, क्या करूं? कैशबुक की डेबिट साइड गलती से कम हो गई, कैशबुक की डेबिट साइड गलती से कम हो गई, तो अब डेबिट साइड को क्या करो? बढ़ा दो। इतना आसान है रे जीवन। पासबुक का डिपॉजिट कॉलम ओवरकास्ट हो गया 100 रुपये से, बोलो क्या करूं? डिपॉजिट कॉलम गलती से बढ़ गया, क्या करूं? एडजस्टेड कैशबुक में लिखू क्या? नो। क्या? हाँ, पासबुक में गलती हुआ है तो मैं मेरे कैशबुक में ठीक कर सकता हूं क्या? पासबुक की गलती ठीक आप कर सकते हो क्या? क्या बैंक में घुस के पासबुक में चेंजेस करोगे तो पासबुक की गलती आप ठीक कर सकते हैं यहां पे एडजस्टेड कैशबुक में? नो। क्या ये ए या बी कोई कैटेगरी का आइटम है क्या? नो। पासबुक में गलती हो गई तो वो गलती आप आपके एडजस्टेड कैशबुक में कैसे ठीक करोगे? चांस ही नहीं है। तो ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा क्या? एडजस्टेड कैशबुक में ऐसी चीजें आती है जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, कैशबुक में आना चाहिए था बट नहीं है, या फिर कैशबुक में एरर से ओमिशन हो गया। ये दो कैटेगरी के आइटम ही एडजस्टेड कैशबुक में आएंगे। अब तुम बताओ, पासबुक में गलत हो गया, ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा क्या? क्या ये एरर्स और ओमिशन इन कैशबुक है क्या? नो। या फिर कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, पासबुक की गलती आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टेड कैशबुक में ठीक कर सकते हो क्या? तो फिर ये बीआरएस में आएगा, आप एडजस्टेड कैशबुक में आ जाओ। फर्स्ट स्टेप इक्वल। बोलो बेटा क्या हुआ है? पासबुक का डिपॉजिट कॉलम, डिपॉजिट कॉलम मैंने चेक रिसीव्ड का एग्जाम्पल लेता हूँ, चेक रिसीव्ड 500, बैंक वालों ने 500 की जगह 600 लिख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, यहाँ पूछना है फिक्स करो ऐड करो, वही अपना पहले वाला पॉइंट क्या था? पहले भी ऐड ही आया था। पासबुक का विड्रॉ कॉलम अंडरकास्ट हो गया, विड्रॉल चेक इशूड 500 का, लेकिन बैंक वालों ने 500 की जगह अंडरकास्ट कर दिया, 400 लिखा, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक ऐड कर दो। सेम है क्या? देन कैशबुक का प्रीवियस पेज का टोटल, कैशबुक का प्रीवियस पेज का, किसी ने कुछ बोला? कैशबुक का प्रीवियस पेज का टोटल 200 रुपए, रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द नेक्स्ट पेज एज क्रेडिट 200। बोलो यहाँ पे कैशबुक में गलती हुई है तो हमारे एडजस्टेड कैशबुक में ठीक करेंगे क्या? बी कैटेगरी आइटम है, एरर्स और ओमिशन इन कैशबुक। तुम बताओ, हमने उसमें लिखा था ना कैशबुक हमने गलती से कम कर दिया 400 से, अरे डेबिट 200 को हमने कितना लिख दिया? क्रेडिट 200, यानी कैशबुक को बढ़ाया या कम किया? प्लस 200 को माइनस 200 लिख दिया, यानी कैशबुक कम किया, कैशबुक कम कर दिया गलती से, तो अब क्या करो? बढ़ा दो। बढ़ाना है तो कहां लिखो? चार सौ से कम कर दिया, 400 बढ़ा दिया, निकालो बैलेंस कितना रहे कैशबुक का, 400 और 3 700 में से 200 गए 500, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, बैलेंस कैरीड डाउन, और ये बैलेंस यहां पे लिखेंगे 500। बोलो आंसर 1000 रुपये आना चाहिए, ये ही आना चाहिए, तो ही आपका सम सही है, पहले जो आया था 1000 आया क्या? सिंपल था, एक 20 से 25% समझ में आया ना एडजस्टेड कैशबुक, काफी है, भरपूर एग्जाम्पल एडजस्टेड कैशबुक के सॉल्व करेंगे, चिंता मत करना। डन, ये लिख लो, इतना कह के आज के छोटू से दो शब्द में समाप्त कर रहा हूं। जा सिमरन, झीले अपने जी।